फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो हम लोग बात करते हैं माउथ सोर की, जिसे कोल्ड सोर भी कहते हैं, हिंदी में छाले भी बोलते हैं। तो देखिए, मुंह में छालों का पड़ना एक कॉमन समस्या है और कुछ लोगों को तो फ्रिक्वेंटली बार बार पड़ जाते हैं मुंह में छाले। तो आज के पूरे वीडियो में ये हम लोग देख लेते हैं कि मुंह में छाले पड़ते क्यों हैं, उसका घरेलू इलाज क्या है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, मुंह में बार बार छाले पड़ना एक बड़ी बीमारी का इंडिकेटर हो सकते हैं और ये बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो सकते हैं। तो है तो बहुत छोटी सी और सामान्य सी बीमारी, लेकिन किसी बड़ी बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। तो बड़ी बीमारी को उत्पन्न न करें, इसलिए आज पूरी बात ठीक से समझ में लीजिए। तो देखिए, मुंह के सेलाइवा का पीएच 6.2 से 7.4 होता है। इससे कम हो जाने पर सेलाइवा इनएक्टिव हो जाता है और मुँह में छाले बनने लगते हैं। तो देखिए, जो मुंह का जो पीएच होता है 6.2 से 7.4 होता है, जब पेट में बार बार एसिडिटी होती है तो एसिड एससीएल बनता है। तो एससीएल ऊपर आता है, ऊपर माउथ में आता है और उस वजह से उसका पीएच चेंज हो जाता है माउथ का। और जब भी पीएच चेंज हो जाता है तो मुंह में छाले बनने लगते हैं। अगर दूसरे कारण की अगर बात किया जाए तो एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से, अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से हमारी आंतों में लाभदायक कीटाणुओं की संख्या घट जाती है, नतीजन मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं। तो देखिए, जब भी माउथ का पीएच जो नॉर्मल है उससे अगर कम हो जाएगा ना, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी और उसका रिजल्ट क्या है कि मुँह में छाले बनने लगेंगे ना। तो अत्यधिक मिर्च मसाला का सेवन भी मुंह में छालों के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि यदि पेट की क्रिया सही नहीं है तो उसकी प्रतिक्रिया मुंह के छालों के रूप में प्रकट होती है। यानी पेट में गड़बड़ी चल रही है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, लगातार गड़बड़ी चल रही है, तो उसका रिजल्ट है मुंह में छाले होना। तो मुंह में छाले होना एक इंडिकेशन है कि पेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंह में छाले होने के कोई एक नहीं, अनेक कारण हैं। जरूरी नहीं कि जिस कारण से किसी एक को छाले हुए हैं दूसरे व्यक्ति को भी उसी कारण से हों। कई बार पेट की गर्मी से भी छाले हो जाते हैं। तो देखिए, छाले के बनने में प्रमुख कारण क्या है, जो पेट की गड़बड़ी है ना, पेट में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, तो ये सब कॉमन कारण हैं। अगर घरेलू उपाय की बात की जाए तो अमरूद के 4 मुलायम पत्ते लेकर थोड़ी देर मुंह में धीरे धीरे चबाएं, थोड़ी देर बाद पानी बाहर निकाल दें। ऐसा करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। तो अमरूद की मुलायम पत्तियां ले लें और थोड़ी देर तक मुंह में हल्का हल्का चबाएं उसको, ताकि उसमें का अर्क निकले और छालों के आसपास रहे। और दूसरा क्या कह सकते हैं, नीम के पत्ते उबाल लें, इसमें लहसुन के रस की 4-5 बूंद डालकर इससे गरारे करें ना। तो इस भी काफ़ी काम का है घरेलू उपाय, आप इसको आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो नीम के सॉफ्ट जो मुलायम आगे वाली पत्तियां होती हैं ना, आप उनको तोड़ लें, उबाल लें, उसमें लहसुन के 2-4 बूंद मिला करके गरारे करें तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। हल्दी को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और उसे अपने छालों पर लगाएं। हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के से भरपूर होती है, जो छालों को न सिर्फ ठीक करती है बल्कि दोबारा छाला न हो उनसे रोकती भी है, तो प्रिवेंट भी करती है कि बार बार छाले न बने ना। तो इस तरह से छालों के लिए जितना ज़रूरी है इलाज, उससे ज़रूरी है कि अपनी दिनचर्या सुधारें ताकि पेट में गैस न बने, कब्ज न बने। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात किया जाए तो पहली दवा है बोरेक्स 30, डेली सुबह 4 गोलियां 2 बूंद लीजिए। और दूसरी दवा है अरम ट्राइफोलियम 30, डेली दोपहर 4 गोलियां 2 बूंद। और तीसरी दवा है नक्स बोमिका 30, डेली रात सोने के पहले 4 गोलियां 2 बूंद लें। तो इन तीन दवाओं से, कुछ घरेलू उपाय करने से आपके जो छाले की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो अपडेट होते हुए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जानकारी अपनी बढ़ा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।